Okay, firstly, everyone, good morning. Good morning. Okay, now sit down, everyone. So today we will continue our PA2 worksheet of Chapter 7, Addition and Subtraction within Hundred. Everyone, sit in a good posture. Yes, everybody, sit in a good posture. So today we will start our PA2 worksheet, question number 7, subtraction with regrouping. Subtraction with regrouping. So let's start the question number. Question number 7.
posture. Sit in a good posture, everyone. सब एक साथ बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम एडिशन. ओके नाउ ध्वनि स्टैंड अप एंड रीड आउट द क्वेश्चन नंबर एट. वन क्वेश्चन नंबर एट का वन रीड करिए. एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट. Yes, money.
मान लीजिए एक बस जा रही है, क्या जा रही है? उस बस में देर आर 16 पीपल, कितने लोग हैं उस बस में? अब उसमें 5 पीपल और उसमें चढ़ जाते हैं, चढ़ जाने का मतलब गॉट ऑन, चढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा कितने पीपल ऐड हो गए उसमें? एक्स्ट्रा कितने ऐड हो रहे हैं? 5 मोर। यस, इधर देखिए एवरीवन, टोटल कितने लोग हैं बस में? बस में पहले कितने लोग थे? कितने और उसमें से आ गए? टोटल कितने हो गए? कौन सा नंबर, विच नंबर माइंड में रहेगा? विच नंबर में जी माइंड, हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन? चलो काउंट कर लेते हैं, ठीक माइंड में है? चलिए स्टार्ट करिए। 7 11 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 11। यस, ये 1 कहाँ मूव करेगा? अब 10 में हमारे पास कितना है? प्लस 1 कितना हो जाएगा? सो हाउ मेनी पीपल इन द बस? समझ आया सभी को? यस एवरीवन, समझ आया सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम होमवर्क के अंदर करेंगे, ठीक है एवरीवन? चलिए अब 1 by 1 मैं आपके पास आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, यस क्वेश्चन नंबर 3 हम होमवर्क के अंदर करेंगे, क्लियर? तो ये आपके आज का टोटल एक ब्रीफ था, ये टोटल आज का ब्रीफ था। आज हमने क्या किया? वर्ड प्रॉब्लम विद एडिशन, क्या किया? इसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर वंस की प्लेस पे 2 नंबर्स हैं तो उनमें से एक नंबर कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? अब इसी से रिलेटेड कल हम एडिशन करेंगे, इसी से रिलेटेड क्या करेंगे? क्लियर? चलिए